जयपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ गई है। वजह है छठ महापर्व। ट्रेन का टिकट नहीं मिलने के कारण पूर्वांचल और बिहार के लोग फ्लाइट से गोरखपुर पहुंच रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु जैसे शहरों से रोजाना लोग फ्लाइट पकड़कर गोरखपुर पहुंच रहे हैं। इससे गोरखपुर एयरपोर्ट पर चहल पहल बढ़ गई है। निश्चित रूप से कम 300 से 400 पैसेंजर पर डे का जो है आउटपुट और इनपुट जो है वो बढ़ा हुआ है। अब भीड़ तो जो पैसेंजर का जो मैक्सिमम आउटपुट है इस समय लगभग है, तो अब इससे ज्यादा कोई संभावना नहीं है। गोरखपुर को 15 फ्लाइट्स दूसरे शहरों से कनेक्ट करती हैं। ट्रेन में टिकट नहीं मिलने की वजह से एयर पैसेंजर्स की संख्या बढ़ी है, इसके साथ किराया भी बढ़ा है। फेस्टिव सीजन में किराया करीब करीब दोगुना हो चुका है। बेंगलोर से आ रहे हैं, बिहार जा रहे हैं घर छठ के लिए। पहले कितना देते रहे, अभी कितना देना? पहले करीब आधा देते थे, 9000 के आसपास देते थे, अभी 18000 दे। 18000 एक आदमी। देवरिया के लार के रहने वाले ओम प्रकाश शर्मा हैदराबाद से फ्लाइट से गोरखपुर पहुंचे हैं। सामान्य टिकटों में इस रूट पर 6000 किराया लगता है, लेकिन अब किराया 10000 हो गया है। हम लोग हैदराबाद से आ रहे हैं और हम लोग अभी देवरिया जाएंगे, और खासकर हम लोग छठ के लिए आए हैं, काफी दिन के बाद आ रहे हैं हम लोग। आपको अभी कितना देना पड़ा हैदराबाद से आप गोरखपुर आ रहे हैं? 10000 रुपया करीब पड़ा। आमतौर पे कितना लगता है किराया? 6000, 6500। एक तरफ छठ महापर्व के कारण ट्रेन में लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा, ऐसे में घर पहुंचने के लिए लोग महंगी फ्लाइट का टिकट खरीद रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फेस्टिव सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ने से एयरलाइंस कंपनियों की चांदी हो गई है।